तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओ यारो, ओ लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ कि गेस्ट आ गए और होस्ट का पता ही नहीं। सॉरी, गेस्ट नहीं, लड़के वाले। आमतौर पे जब लड़के वाले लड़की देखने जाते हैं तो उनका उत्साह से स्वागत होता है, पर यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। पुपटलाल, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। तो फोन तो करो। हाँ, उनके घर पे ही खड़े और फोन करूँ उनको। अरे वही भाई, हम तो उनके घर पे हैं, लेकिन वो उनके घर पे नहीं है ना, तो पता तो करो कहाँ है वो लोग। हाँ, आ जाएंगे आ जाएंगे। ये बहुत बड़ा बंगला है ना, तो अपने अपने कमरे से निकल गए होंगे, रास्ते में होंगे, अभी पहुंच जाएंगे। अरे बेडरूम से यहाँ पहुंचने में इतना टाइम थोड़ी लगता है पोपटलाल, क्या कुछ भी। इसमें ट्रैफिक लगा होगा ना। ये भिड़े और नहीं तो क्या पोपटलाल, आ रहे होंगे क्या, आ रहे होंगे। अरे 12 लोग यहाँ पे खड़े हैं, कोई आगे स्वागत करने के लिए नहीं। आ जाएंगे आ जाएंगे। हम लोग तो बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, या तो घर में ही फर्स्ट फ्लोर है। लगता है बहुत बहुत पैसे वाले हैं। लेकिन देखना, अगर हमारे पोपट भाई की इस घर में शादी हो गई ना, तो इन लोगों से 1 रुपए की मदद पर नहीं लेंगे। हमारे पोपट भाई बड़े स्वाभिमानी है, कर करेंगे। बस पोपट भाई और प्रतीक्षा की जोड़ी मिल जाए। एक जरूरी बात तो रह गई। मौका मिलते ही हम लोग पोपटलाल भाई और प्रतीक्षा को अकेले में बात करने के लिए रूम में जाने के लिए कहेंगे। हाँ करे करे, दोनों अकेले में एक दूसरे से बात करेंगे, तभी तो एक दूसरे को जान पाएंगे, नहीं तो। ऑफ कोर्स। ओए पप्पू, वो सारी रात इतनी खड़ा रहना, वो ये लोग तो अभी तक आए नहीं। रे एक तो तू मुझे ये पप्पू बुलाना बंद कर। हाँ सॉरी, पोपटलाल ने तेरे को बार ही कहा था ना कि उसको पप्पू पप्पू मत बोलना। हाँ ऐसा बोल के आपने 2 बार पोपू पोपू बोल लिया, तो ऐसा बोलकर तुमने भी तो 2 बार पोपू पोपू बोला है। शांत हो जाओ लोग, शांत हो जाओ। और खबरदार, जो अभी किसी ने भी इसे पोपू कह के बुलाया। अरे डिब्बे डिब्बे बेटा, पोपट बेटा, लड़की वाले कहाँ है? कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। ये भाई साहब कौन है? लड़की का बाप लग रहा है। ओ ये बाप नहीं, पिताजी बोलते हैं। ये मास्टर, नमस्ते, आइए आइए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। पोपटलाल जी की तरफ से और पूरे गोकुलधाम के परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपको हार्दिक प्रणाम करता हूँ। चाचा जी नमस्ते, मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल पाई लागू। अरे मुझे क्यों पाई लागू? अरे क्यों नहीं पाई लागू भाई, लड़की के पिताजी के पैर छूकर आशीर्वाद लेना हमारी भारतीय संस्कृति है। वाह जी, नहीं मैं लड़की का पिताजी नहीं हूँ। तो चाचा जी है? जी नहीं। तो मामा जी हो? नहीं तो। तो फिर आप क्या लगते हैं लड़की के? जी मैं लड़की के पिताजी श्री पवन सिंह पुरी जी का सेक्रेटरी हूँ। ओह अच्छा अच्छा। मेरा नाम है बाकेलाल। अरे सेक्रेटरी बिना, तू भी सेक्रेटरी वो भी सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरी सेक्रेटरी का अच्छा जमेगा। कई कुछ भी मतलब।
बाकेलाल जी, पवन सिंह पुरी जी कहाँ है? जी वो अभी आ रहे, तब तक आप बैठिए। आप जी पवन सिंह पुरी, पुरी इंडस्ट्रीज के मालिक। आप सभी ने पुरी इंडस्ट्रीज के बारे में तो सुना ही होगा। नहीं हमने। मैंने सुना है, बहुत बड़ी कंपनी है पुरी इंडस्ट्रीज, पुरी की पुरी इनकी है। मेरा मतलब है कोई पार्टनर नहीं है, अकेले ही ओनर है पुरी साहब। बीकेसी में इनकी हेड ऑफिस है और 3-4 हजार एम्प्लॉयज इनके लिए काम करते हैं। देश विदेश में ब्रांचेज है ना? हाँ बिल्कुल करेक्ट। तो फिर चलो। कहाँ? घर और कहाँ? क्यों? अरे तो बहुत बड़े लोग हैं, यहाँ मुश्किल है भोपटल। अरे क्या मुश्किल है, सामने से फोन करके बुलाए। लो सर आ गए। उसी को देख के खुशी नहीं हुई? आप है श्री पवन सिंह पुरी जी और इनकी धर्मपत्नी आशा देवी। नमस्ते। नमस्ते। मैं अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल, हमारी फोन पर बात हुई थी। पाई लागो। पाई लागो आंटी जी। कोरोना के टाइम में ये आशीर्वाद परफेक्ट है, जीते रहो। ओहो, गले में देखिए, मेरे नहीं हो, सामने सामने तीन लोग खड़े, किसके गले में देखूं आदमी? ओहो, आशा देवी के गले में हार देखिए, एक आए सुंदर है। आप लोग सब बैठिए प्लीज। ये सब लड़के के साथ आए हैं? जी सर, टोटल 12 लोग हैं। ओ पुरी साहब, दरअसल हमारे मेहता साहब और टप्पू सेना नहीं आई, वरना हम कुल मिला के 18 जन हो जाते, वन बिग फैमिली है जी। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप सब लोग येलो कलर के कपड़े क्यों पहन के आए हैं? वो एक्चुअली प्रतीक्षा जी का फेवरेट कलर येलो है ना, मैंने उनके प्रोफाइल में पढ़ा था, तो हमने मीटिंग करके ये तय किया कि आज की हमारी मीटिंग का ड्रेस कोड हम येलो रखते हैं, तो इसलिए हम सब येलो ड्रेस में आए। ओह ऐसा, हमारी बेटी की चॉइस का सम्मान किया ये जानकर हमें खुशी हुई। और आपको खुशी हुई ये जानकर हम सबको भी बहुत खुशी हुई। हाँ तो मेरी बात सुनिए प्यारे। नहीं प्यारे नहीं, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी,
भिड़े भिड़े मेरी बात सुनिए प्यारे, मेरी बात सुनिए प्यारे, ऐसा प्यार से बोल के पवन सिंह जी हमेशा बात की शुरुआत करते हैं, ऐसी आदत है उनकी। अच्छा होगा, चांद चांद। हाँ तो मैं ये कह रहा था, मेरी बात सुनिए प्यारे। सुनाइए। हाँ तो पोपटलाल जी, ये सब आप ही के परिवार के सदस्य हैं। ओ जी पुरी साहब, हम सब गोकुलधाम वासी एक परिवार हैं, और पोपू मतलब कि पोपटलाल जी के पड़ोसी हैं। अच्छा अच्छा, मतलब पड़ोसी है, परिवार के सदस्य नहीं। नहीं नहीं, मतलब सब परिवार से बढ़कर है मेरे लिए। एक्चुअली हम सब पोपटलाल के सगे भाइयों जैसे। हाँ, और हम सभी उनकी सगी बहने जैसी। हाँ। जी वो कहते हैं ना कि पहलो सगो ए पड़ोसी। और ये हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के पिता समान आदरणीय चंपक चाचा जी हैं। नमस्ते। मैं अभी सबका परिचय कराता हूँ। मेरी बात सुनिए प्यारे, इस तरह एक साथ में सबका परिचय याद नहीं रहेगा, बाद में सबका परिचय हो जाएगा। सबका परिचय फिर मैसेज कर देना ना। मैं सबके आधार कार्ड की डिटेल्स ही मैसेज कर देता हूँ। आधार कार्ड में इसका परिचय होता ही है ना, नाम नंबर और वो जेंडर भी होता है। प्रतीक्षा जी क्यों नहीं आई अभी तक? बबीता जी, आंटी वो प्रतीक्षा कहाँ है? आ रही है। अच्छा। बड़ी नहीं लग रही है? कुछ क्या, ज्यादा ही लग रही है बड़ी। हाँ, ये जोड़ी नहीं जमेगी ना। हेलो प्रतीक्षा जी। नहीं नहीं, ये प्रतीक्षा नहीं है, ये मेरी पत्नी रुक्मिणी है। हर्ष, ओ रुक्मिणी, यहाँ। तो प्रतीक्षा आ रही है? ये प्रतीक्षा की दादी जी है। अरे दादी जी है। नमस्ते दादी जी। नमस्ते 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 नमस्ते। मेरी बात सुनिए प्यारे, बाकेलाल जी। जी सर। प्रतीक्षा को बुलाइए। मैं अभी मैसेज करता हूँ। संगीता, सबको पानी पिला। संगीता, नहीं मतलब एक और ग्लास मिलेगा, बहुत प्यास लगी है। दे दे, ये
आशा प्रतीक्षा को फोन कीजिए। जी हेलो। हाँ प्रतीक्षा। हाँ बोलो। ये प्रतीक्षा नहीं है, ये तो स्वीटी है, हमारे पड़ोस में रहती है, हमारी बेटी की बहुत ही अच्छी दोस्त है ये। अच्छा अच्छा। हाय एवरीवन। प्रतीक्षा दीदी का फोन मेरे पास से रह गया। क्या लगता है प्रतीक्षा आएगी? पता बहुत प्रतीक्षा करवा रही है। प्रतीक्षा एक एक करके सभी आ रहे हैं, सिर्फ प्रतीक्षा जी नहीं आ रही है। कहाँ है? हाँ। स्वीटी प्रतीक्षा कहाँ है? प्रतीक्षा दीदी तो मूवी देखने चले गई है। दीदी मैंने बोला था ना घर में कि कुछ तो गड़बड़ है, लड़के को बुला के लड़की फिल्म देखने गई है। लक्की कतरी गड़बड़े एकड़े ये ऐसा बार बार सोचते रहते ना। लक्की कतरी गड़बड़े 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 वो गड़बड़ होते अच्छे से गड़बड़े। ये सोचने की वजह से वो लड़की फिल्म देखने गई है क्या? अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरी बात सुनिए मेरी बात सुनिए। ये स्वीटी मजाक कर रही है। माफ कीजिएगा, स्वीटी को मजाक करने की बहुत आदत है। स्वीटी ऐसे मौके पर भी मजाक करियो तुम? हाँ। सॉरी सॉरी एवरीवन। कोई बात नहीं। प्रतीक्षा दीदी अभी आ रही है। नॉटी है छोटी लेकिन धमाका बड़ा करती है। वो ना आ गया एक नंबर। ऐसा मजा हाँ कैसा ऐसा मजा करते हैं। हेलो मित्रों, तपती धरा पर जब बारिश की पहली बूंद गिरती है ना तो जमीन कितनी प्रफुल्लित होती है। आसमान में कोई पंछी उड़ रहा हो, उसे जमीन पर पड़े हुए अनाज के दाने नजर आए तो कितनी खुशी मिलती है। ठीक यही हाल इस वक्त पोपटलाल का है। भाई क्यों ना हो, इतने अरसे बाद पोपटलाल को खुद मिलने के लिए बुलाया, आमंत्रित किया है। पर भाई पोपटलाल की किस्मत उस छाते की तरह है जो बारिश आने पर कभी नहीं खुलता। खैर मेरी छोड़िए कि मैं क्या सोच रहा हूँ, आप अपने दिल पे हाथ रखिए और सोचिए और कहिए क्या पोपटलाल कामयाब हो पाएगा। ये जानने के लिए देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.